बचके 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 तेरी। तो आज का मौसम कैसा हो रहा देखते हो तेरी। वाह घोरा, ओ वाह। वाओ क्या कोहरा है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम आए हैं मॉर्निंग वॉक पे, लेकिन हो रही है रात। रात क्यों? क्योंकि कोहरा ज़्यादा हो रहा है। बस 6:30 हो गया है, पर पूरा ऐसा लग रहा है कि रात है अभी। आज कुछ ज़्यादा ही कोहरा है। काफ़ी दिनों बाद मिला ये कोहरा ना, लगभग 10-12 दिन बाद। और मामा को भी ठंडी लग रही है। चंदा मामा को भी ठंडी लग रही है, दिख नहीं रहे ना आज। दिखे, चलो दिखाते हैं आपको भी। और चंदा मामा को दिखाते हैं कि ठंडी कितनी लग रही है। ये है चंदा मामा को, क्यों भी लग रही है ठंडी। आज तो गोलू धुंध में गायब हो गई। वाह बस सही में नहीं दिख रही, बस कोई दिख रहा जाता हुआ। आज सबसे ज्यादा कोहरा है इस मंथ का, मतलब जब हमने ऑब्जर्व किया है उसमें। एक दो तीन बार और आए थे हम, तब भी कोहरा था, लेकिन तब इससे थोड़ा कम लग रहा था मुझे। ओए 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 बचके 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 तेरी। ये था मॉर्निंग वॉटर सेशन। भाई साहब कसम से आगे दिखाता हूँ मैं, तो कुछ नहीं दिख रहा यार, बिल्कुल अंधेरा। इसमें फोन में पता नहीं रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, लेकिन वो पीछे तो बिल्कुल ही अंधेरा है बिल्कुल। ओवरऑल कहने की बात ये है कि काफी अच्छा लग रहा है ठंड में, ठंड को देखना। क्यों नहीं, तो ठंड तो पड़ रही थी लेकिन कोहरा नहीं पड़ रहा था। अभी चाय होती ना यार, अब पीने नहीं लाते रहो। चाय होती तो मजा आते। नहीं सुबह सुबह मॉर्निंग फ्रूट खाना चाहिए ना, मॉर्निंग फ्रूट होता तो मजा आते। वो तो हमने खा लिया। चाय नहीं भाई, चाय अच्छी होती है, मतलब कुछ गर्म होता है ठंड में, अच्छा लगता है। कोई गर्म चीज ना, अब क्या गर्म पानी पियो। तो कल से फिर मॉर्निंग वॉक पे चाय लेके आए करेंगे, हाथ में पकड़ के। अभी जब निकल गए मेरे घर पे होती तो मम्मी मुझे जाने नहीं देती। अरे बाप रे, अब कितना अंधेरा हो गया। अच्छा वॉक के लिए नहीं जाने देते यहां पे, तो पूरा अंधेरा। वही तो यहां पे देखो, हम भी नहीं दिख रहे, ऐसा लग रहा है अंधेरे में वीडियो बना रहे हैं। हमारे कैमरे के ऊपर भी भाप जम रही है, पता नहीं कोहरा जम रहा है, नहीं दिख रही। देखो हमारी शक्ल भी नहीं दिख रही। बंद करो। चलो फिर अब थोड़ा कैमरा साफ कर लूंगी, कोहरा लग गया इसमें। तो गाइस यहाँ तो कैमरे पे भाप कोहरा जमा हुआ है और अंधेरा भी काफी हो रहा है। वो तो सुबह रही है वैसे, 7:30 हो रहे हैं, लेकिन अंधेरा कोहरे की वजह से ज्यादा लग रहा है और ठंडा भी लग रहा है। तो चलो जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर लेते ताकि थोड़ी तो हीट फील हो, और उसके बाद देखते हैं तब तो थोड़ा उजाला भी आ जाए। अभी अंधेरे में तो कोई वीडियो ऐसी दिख रही है, क्वालिटी तो आ नहीं रही है इसमें, अंधेरा दिख रहा है। तो गोलू को देखो क्या कर रही है। थोड़ा उजाला आ गया है तो अब हमारी सखले भी दिख रही होगी ना, पहले तो दिख भी नहीं रही थी। दिख रही है गोलू तुम्हारी? क्या तुम्हारी सखल दिख रही है? वाह बाहर भी दिख रहा है, उजाला हो गया है। चलो थोड़ी सी और एक्सरसाइज कर लेते हैं, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। नहीं कर पा रही, कोहरा लगे रहेगा छत पे। और आप स्कूल भेज दो, अपना काम निपटा के फटाफट नौकरी से सब निपटा दो। और कोहरा मैं सोचती थी जाए ना यार, ऐसे ही रहे। और जितने पूरे दिन कोहरा लगता था उस दिन मजे ही आ जाते थे। हाँ फिर चाय बना एक और छत पे जाओ, हाँ क्या मजे आते थे। हाँ
वही मिस आ रहा, मिस कर रही हूँ मैं अब। कोई नहीं, दोबारा आ जाएगा मौसम एक दो महीने बाद। दोबारा कैसे मौसम आ जाएगा? चल ठीक है, क्या करूँ फिर, मैं छुड़वा दूँ ये तो मौसम है, स्कूल छुड़वा दूँ फिर क्या करूँ, छुट्टी करवा दूँ तुम्हारी। अरे सिर्फ दो महीने का तो होता है, मतलब दो, तो मतलब दो महीने की छुट्टी करवा दूँ, एक दिसंबर हो गया एक जनवरी हो गया, तो दिसंबर जनवरी की छुट्टी चाहिए। संक्रांति का त्यौहार आएगा, हम उसको भूत बनाते थे, तो अब भी बना दूँ, मना थोड़ी छुट्टी होती है उस दिन, तो फिर आप मुझे हल्द्वानी लेके जाओगे? यार ये ओशन तो वही बनाते हैं, कहीं यहाँ बना लो क्या? नहीं यहाँ नहीं बनाते, सबको आना चाहिए उससे, सब मुझे त्योहार को जानते तो एंजॉय भी अच्छा लगता है, एंजॉय कर पाते हैं। तो मैं नहीं जानता, मेरे को अच्छा लगेगा फिर? पल्ले नहीं पड़ रही, क्या बना रहे हो, क्या चल रहा है, क्यों बना रहे हो? मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को तो नहीं आता, तो आप भी आना। देखो ये कोरा, ये पानी आ गया, तो गाल पे क्यों लगा रहे हो, ठंडा लगेगा। इतने से क्या होता है, इतने से क्या होता है। तो गाइस मैं आ गया हूँ कोचिंग पढ़ा के, और काफ़ी अच्छा दिन रहा, और मानते हैं कि मेरा दिन और अच्छा हो गया। वो ऐसे क्योंकि कुछ स्पेशल बना रही है आज मैडम जी। क्या बना रहे हो आप? गाजर है, गाजर का हलवा नहीं, गाजर का हलवा। तो कुकिंग की रेसिपी जानने के लिए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो है किचन स्टॉक। हमारा किचन टॉक का नहीं है, क्या कहो आप लोग? किचन स्टॉक, किचन स्टॉक, दैट्स नहीं, वो इससे पहले से बना हुआ, पर हाँ तो वो है कुकिंग का चैनल, तो सारी रेसिपी उसमें मिलेगी, और यहाँ मिलेगी आपको सिर्फ 5 बजे तक बात। आप लोग आज कल सॉल्व होता है, और आज हमें पता चला कि काफी कोहरा था, मॉर्निंग भी अच्छी थी, स्कूल में अलाउ नहीं होता बिल्कुल, स्कूल में पढ़ते नहीं, स्कूल की टाइमिंग 3:30, उसके बाद कोचिंग, तो अब हम फ्री होते हैं, तो या तो मॉर्निंग हमारी देखो ब्लॉग में, या तो इवनिंग देखो, तो आज मॉर्निंग इवनिंग दोनों दिखा रहे हैं। तो गोलू आज डिनर में कुछ है या फिर खाली? अरे हाँ दिन में तैयारी है, मैं ये खाती हूँ, मैं कुछ पूछ के आपसे शिमला मिर्च खाऊंगी, मटर खाऊंगी, मटर मटर खाऊंगी, आलू पराठा खाऊंगी, या फिर तो वैसे डेली हम ये काम करते हैं, लेकिन डेली ब्लॉगिंग नहीं करते, लेकिन आज कुछ खास इसलिए है क्योंकि डेली गोलू मुझे किस से सुनाती है, मैं रिकॉर्ड करना पड़ गया, तो बड़े मज़ेदार किस्से होते हैं, तो मैंने सोचा आज आज के दिन भी कुछ घटित हुआ होगा इनकी लाइफ में, वो रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे किस्से होते हैं वो मिस आउट हो जाते हैं, तो देखते हैं आज क्या है। तो कैसा रहा दिन फिर? अच्छा रहा, तो कुछ रहा समथिंग मज़ेदार टाइप? हाँ हाँ, बच्चे जैसे हम पढ़ रहे थे तो क्या हुआ, एक बच्चा, हम इंटरवल में चाय पी रहे थे, लंच तो मैंने पोर्ट्रेट से इच्छा था तभी कर लिया था, क्योंकि असर अली बच्चा है, काफ़ी टीचर्स खड़े थे वहाँ पे, उसने बोला मैम चलिए लंच कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, वाह बच्चे पूछते भी यार, हम सोचते बच्चों को कि बच्चे हमेशा ऐसे ही होते हैं, मतलब नहीं कहना मानते हैं, लेकिन पर्सनली जब आए बच्चे पूछ लगे, और भी टीचर्स थे, पूछा उसने पर्सनली आके टीचर्स को पूछा कि मैम लंच कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगा, और थोड़ा सा मैं टेस्ट भी करके आई, और बच्चा कुछ वेरी टेस्टी है, मटर पनीर खिचड़ी थी, वैसे हम भी स्कूल में छोला बना के काफ़ी अच्छे से खाते हैं, बच्चे बोल रहे कि मैम और खा लो, मैं चम्मच लेकर आता हूँ, मैं नहीं लेकर, अब हम ही खा जाएंगे तो फिर बच्चे कहते हैं। वैसे हम भी काफ़ी मज़ेदार तरीके से खाते हैं, काश मैं उसको रिकॉर्ड कर पाता कि ऐसे सर्कल में बना के इसको शेयर करके, बड़े मज़े डेली मैं अच्छे से खाता हूँ, मज़ेदार तरीके यादगार, लेकिन शूटिंग और हम धूप में बैठ के खाते हैं, ग्राउंड में तो और अच्छा लगता है, धूप में नहीं बैठ पाते, पूरा दिन इतनी ठंड, और सुबह कोहरा रहता है, दिन भर क्लास में इतना ठंडा, यहाँ तो इतनी डबल कैप लगा रखी वहाँ इधर फैशन के चक्कर में एक भी कैप नहीं लगाते तो थोड़ा स्टॉल डाल के ऐसे, घर में तो तीन कैप, दो कैप। खैर अब जो कुकिंग में बेस्ट है, तो मैं सब्जी तो बता दूँ, क्या तो सब्जी तो बनाऊँ क्या बाद में, लेकिन मैं किस्सा कैसे तैयार कर रहा था, कब तक कुछ रिकॉर्ड कर, देखो देखो कुछ भी, ओके चलो वो रैंडम ही निकल के आता है, नहीं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, एकदम से याद नहीं आता ना, चलो कोई नहीं, अभी याद भी नहीं करवाते, हलवा जल जाएगा मेरा, ओके गाइस, हाँ मैं भी तो खाऊंगा, मेरा ही तो है, तो गाइस मिलते हैं फिर, और कोई किस्सा होगा तो रिकॉर्ड करते हैं, और एंजॉय करते हैं हलवे को, और
व्यूअर्स में ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, तो आप पढ़ाई करो, हम इंजॉय करते हैं। हेलो एक आप, बाय।